हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आई होप सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होगा, चलेगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले तीन क्लासेस में हमने पिछले दो क्लासेस में प्रीपोजिशन को कवर किया, तो प्रीपोजिशन में हमने सीखा प्रीपोजिशन होता क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, कब पर्सन आए तो कौन सा प्रीपोजिशन आता है, थिंग आए तो कौन सा प्रीपोजिशन आता है, प्लेस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, थिंग के लिए कौन सा, टाइम के लिए कौन सा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन को ही पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास का नाम पार्ट थर्ड होगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन कब काम करते हैं, उन वर्ड के साथ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सेंटेंस में हम सभी उन्हीं फिक्स प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं, उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स फिक्स हैं, एग्जाम में जब आ जाते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, टू लगेगा, ऑफ लगेगा, विथ लगेगा। तो यदि इन प्रीपोजिशन की लिस्ट को आप मगअप कर लेते हैं, आई मीन टू से याद कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से आपके प्रीपोजिशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन कब जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, और पैसिव वॉइस में बाई लगता है, तो कौन कौन से हैं, देखिएगा, असिस्ट है, रिजेंबल है, इंटर है, रिच है, ठीक ना, हम लोग देखेंगे। असिस्ट है, रिजेंबल है, इंटर है, रिच है, ऑर्डर है, अटैक है, रेसिस्ट है, पिक है, परवेड है, रिक्वेस्ट है, प्रीसीड है, सरसीड है, अफर्ड है, इन्फॉर्म है, बेनिफिट है, ओबे है, कंपनी है, वॉयलेट है और कोम्बट है। ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन तो काम करते ही करते हैं, तथा बाई भी यूज किया जाता है, ठीक ना। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन वर्ड्स के बाद हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। यदि प्रीपोजिशन आया है सेंटेंस में तो हम उसको रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन कुछ फिक्स कंडीशन के साथ अप्लाई होते हैं। देखिए, अबाइड है, अबाइड के साथ बाई लगेगा, अबाउंड के साथ इन लगेगा या विथ लग सकता है, अबाउंड के साथ या इन या विथ, दोनों में से कोई एक। अबस्टेन, अबस्टेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, अबस्टेन मतलब होता है किसी चीज से बचना, वाइन वगैरह के सेंस में फ्रॉम का यूज हो जाएगा। अकाउंटेबल के साथ यदि पर्सन आता है तो टू का यूज होगा, यदि थिंग आता है या मनी आता है किसी ऐसे अकाउंटेबल की बात हो रही है तो उसके संदर्भ में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अबाइड के साथ बाई का, अबाउट के साथ इन और विथ का, अबस्टेन के साथ फ्रॉम का, अकाउंटेबल के साथ टू का, पर्सन आए तो, अकाउंटेबल के साथ यदि मनी की बात होती है तो फॉर का यूज करेंगे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अग्री, अग्री मीन्स होता है सहमत होना, सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो यदि किसी प्रपोजल से सहमत होने की बात हो, जैसे आई एम अग्री तुम्हारे शर्त से, तुम्हारे प्रपोजल से सहमत हूँ, तो हम लोग टू यूज करेंगे। क्या है? टू का यूज, प्रपोजल। आई एम अग्री टू योर प्रपोजल, लेकिन मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एम अग्री विद यू, पर्सन हो तो विथ का प्रयोग, प्रपोजल हो तो टू का प्रयोग। आई होप आपको भी याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। आई एम अग्री टू योर प्रपोजल, आई एम अग्री टू योर कंडीशन, आई एम अग्री टू योर प्रोजेक्ट, इस तरीके से अगर हो तो हम सभी टू का यूज करेंगे। लेकिन यदि पर्सन की बात हो, मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, आई एम नॉट अग्री विद यू, आई एम अग्री विद यू, ठीक है। इस तरीके से जब पर्सन हो तो विथ का और प्रपोजल हो तो टू का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्री के साथ ऑन का भी यूज होता है, लेकिन कब? जब मैटर या टर्म्स की बात हो, जब टर्म्स या कंडीशन की बात हो, मैटर की बात हो, तो ऑन का प्रयोग भी होता है। अग्री के साथ तीन प्रीपोजिशन, टू का यूज प्रपोजल के साथ, टू का यूज प्रपोजल के साथ, फॉर विथ का यूज पर्सन के साथ, ऑन का यूज मैटर या टर्म्स के साथ करते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। अग्री के साथ टू का प्रयोग प्रपोजल के सेंस में, अग्री का उसके
साथ विद का प्रयोग पर्सन के सेंस में, एग्री के साथ ऑन का प्रयोग मैटर या टर्म्स के कंडीशन में करते हैं। अब देखिए एंग्री की बात होती है, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना। पर्सन हो तो क्या यूज करेंगे, थिंग हो तो क्या यूज करेंगे, कोई प्रपोजल या कोई प्रोजेक्ट हो तो क्या यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे एंग्री के साथ यदि किसी थिंग की बात हो कि जैसे मैं तुम्हारे रिएक्ट पर गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारे बर्ताव पर गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारे प्रपोज पर गुस्सा हूँ, प्रपोजल पर गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारे बर्ताव पर गुस्सा हूँ, जो भी आप समझे उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम लोग थिंग का यूज, थिंग हो तो एट का यूज करेंगे। एंग्री एट योर आंसर, एंग्री एट योर प्रोजेक्ट, एंग्री एट योर रिएक्शन, इस तरीके से। लेकिन जब एंग्री के साथ कॉज की बात हो, जैसे तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है, तो ऐसे सेंस में तुम्हारे गुस्से का कारण की बात हो, जब कॉज की बात हो, रीजन की बात हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एंग्री के साथ एट का यूज थिंग के संदर्भ में, एंग्री के साथ फॉर का यूज कॉज के संदर्भ में, एंग्री के साथ जब पर्सन हो तो विद की बात करते हैं। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जब कभी भी ऐसी बात हो कि आप समझ ना पाए कि हम क्या लगाएं, फॉर लगाएं, विद लगाएं, एट लगाएं, ऑन लगाएं, तो ज्यादातर कंडीशन में पर्सन के साथ विद का यूज होता है, जब तक इंस्ट्रूमेंट की बात ना हो कि जैसे इंस्ट्रूमेंट कोई यंत्र की बात हो, कोई मशीन की बात हो, कोई औजार की बात हो, टूल्स की बात हो, तो विद का प्रयोग वहां करेंगे। लेकिन जब आप ऐसे फंस जाएं कि एट का लगाएं, कि ऑन का लगाएं, कि विद का लगाएं, कि फॉर का लगाएं, तो यदि आपके सेंटेंस में पर्सन का जिक्र हो रहा है तो ज्यादातर टाइम विद करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सेटिस्फाई है, सरप्राइज है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि जब सेटिस्फाई विद यू, सेटिस्फाई एट योर रिएक्शन, इस तरह से। तो एंग्री के साथ थिंग हो तो एट, एंग्री के साथ कॉज दिखाया जाए तो फॉर, एंग्री के साथ पर्सन की बात हो तो विद का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे एनॉयड, एनॉयड मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान करना, किसी को खींच दिलाना या किसी को इरिटेट करना, तो उसको कहते हैं एनॉयड। तो क्या हो जाएगा यदि पर्सन की बात हो तो विद, यहाँ देखिए पर्सन जहाँ भी आ रहा है ज्यादातर टाइम विद का ही यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन हो तो विद लगाएंगे, एनॉयड मतलब गुस्सा दिलाना, पर्सन विद, एनॉयड के साथ अगर किसी थिंग की बात हो तो एट की, एट का यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अनॉक्सियस, अनॉक्सियस कहते हैं, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, ANXIOUS, इसको अनॉक्सियस पढ़ा जाता है, कई लोग अनॉक्सियस भी पढ़ते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन का अपना रोल है। तो समझेंगे कि अनॉक्सियस मीन्स होता है चिंतित होना। ठीक है ना, तो जब अनॉक्सियस के साथ किसी रिजल्ट की बात हो तो हम लोग अबाउट की बात करेंगे, अबाउट यूज करेंगे, मैं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में चिंतित हूँ, मैं तुम्हारे आंसर के बारे में चिंतित हूँ, मैं तुम्हारे कुछ भी रिजल्ट की बात हो तो चिंतित हूँ, तो हो जाएगा अनॉक्सियस अबाउट योर रिजल्ट। लेकिन जब अनॉक्सियस के साथ रिजल्ट की बात ना हो तो हम सब क्या यूज करते हैं, सेफ्टी या हेल्थ की बात हो तो अनॉक्सियस के साथ फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझेंगे, अनॉक्सियस, अनॉक्सियस के साथ यदि सेफ्टी या हेल्थ की बात हो तो फॉर का यूज करेंगे, लेकिन यदि अनॉक्सियस के साथ रिजल्ट की बात हो तो अबाउट का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना। ठीक है ना, अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना, उसकी भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, APOLOGIZE होता है अपोलोजाइज की स्पेलिंग, देखिएगा GIZE होता है, और एग्जाम में GIZE, GIZE, GIZE कुछ भी अगर ऑप्शन में दे दे तो APOLOGIZE का यूज करना है, यही करेक्ट स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना, माफी मांगना, तो हो जाएगा अपोलोजाइज के साथ यदि किसी रूडनेस, रूडनेस मतलब होता है किसी के साथ किया गया अभद्र व्यवहार, ये रूडनेस कहलाता है। तो जब रूडनेस की बात होती है तो फॉर यूज करेंगे, और यदि पर्सन की बात होती है तो टू का यूज करेंगे, ध्यान रखना है, रूडनेस की बात हो तो फॉर का यूज करेंगे, पर्सन की बात हो तो अपोलोजाइज के साथ टू का यूज करेंगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपील। सभी विद्यार्थी इंटरमीडिएट की क्लास में अपील फॉर मर्सी पढ़े होंगे। मर्सी मीन्स होता है दया। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये है पॉइंट, एक 14 लाइन की होती है ना मर्चेंट ऑफ वेनिस सोनेट है, तो उसमें अपील फॉर मर्सी पोर्शिया कहती है, तो उसमें फॉर वर्ड है, आपने सुना होगा अपील फॉर मर्सी। तो कहाँ पे अपील के साथ टू का यूज करते हैं, कहाँ पे अपील के साथ अगेंस्ट का यूज करते हैं, कहाँ पे अपील के साथ फॉर का यूज करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अपील के साथ टू का यूज होगा जब पर्सन की बात हो। मैं तुमसे अपील करता हूँ, आई अपील टू यू, समझिएगा पर्सन हो तो टू, आई अपील टू यू। यहाँ देखिए विथ वाला आइडिया फेल हो गया कि अपील के साथ जब पर्सन हो तो विथ लगता है, इसलिए ज्यादातर टाइम विथ लगता है, हमेशा विथ नहीं लगता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपील के साथ यदि पर्सन की बात हो तो टू लगता है, आई अपील टू यू। लेकिन जब रूडनेस या हेल्प की अपील की जाए, मेरे साथ दुर्व्यवहार मत करो, मेरी हेल्प करो, तो आई अपील फॉर योर हेल्प, मैं तुमसे मदद की अपील करता हूँ, आई अपील टू यू फॉर हेल्प, आई अपील टू यू। पर्सन आया तो टू, फॉर आया तो हेल्प, ठीक ना, समझेंगे। अपील के साथ पर्सन हो तो टू, अपील के साथ फॉर हो तो रूडनेस या हेल्प की बात करेंगे। अपील के साथ अगेंस्ट जब हो तो डेथ सेंटेंस मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट, इसका मीन्स होता है मृत्यु की सजा। जब किसी को मृत्यु की सजा दी जाती है, या जब किसी को सजा दी जाती है तो कोर्ट में अपील किया जाता है, तो उस सजा के लिए नहीं, सजा को नहीं, सजा के खिलाफ अपील किया जाता है। तो खिलाफ का मतलब विद्यार्थियों पता है, अगेंस्ट यूज करेंगे। तो जब भी डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट की बात होगी तो सेंटेंस में अपील के साथ अगेंस्ट का यूज किया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझेंगे। डेथ सेंटेंस मीन्स होता है फांसी की सजा या मौत की सजा, और एक आइडिया में कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है मृत्यु की सजा या सजाए मौत, है ना। तो इसलिए समझेंगे पर्सन हो तो अपील के साथ टू, हेल्प या रूडनेस की बात हो तो फॉर, और अगेंस्ट का यूज तब करेंगे जब डेथ पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस की बात होगी। सेंटेंस मीन्स भी होता है फांसी की सजा। अप्लाई, अप्लाई आप देखोगे अप्लाई टू लिखें कि अप्लाई फॉर लिखें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति को अप्लाई किया जाता है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, और जब पर्सन को अप्लाई किया जाता है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, उसको समझेंगे। ध्यान रखना है जब पर्सन हो तो अप्लाई के साथ टू लगेगा, ठीक है। मैं तुमको अप्लाई किया हूँ किसके लिए, इस पोस्ट के लिए, तो फॉर दिस पोस्ट, आई अप्लाई टू यू फॉर दिस पोस्ट। पर्सन हो तो टू, पोस्ट हो तो फॉर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अप्लाई के साथ टू पर्सन के लिए, अप्लाई के साथ फॉर एक पोस्ट के लिए लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे अराइव के साथ एट और अराइव के साथ इन का प्रयोग। जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचते हैं तो अराइव के साथ एट लगता है, लेकिन वहीं जब किसी देश में पहुंचने की बात होती है तो अराइव के साथ इन का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा भी है कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए और इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए, और आपने तो इस संदर्भ में भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो भी कंफर्म हो जाता है। अराइव के साथ एट लगेगा तो प्लेस, अराइव के साथ इन लगेगा तो कंट्री के सेंस में, मैं इस देश में पहुंच गया हूँ, आई अराइव्ड इन दिस कंट्री या इन अमेरिका। लेकिन मैं किसी प्लेस की बात करें पर्टिकुलर, तो आई अराइव एट रेलवे स्टेशन, आई अराइव्ड एट, है ना, कुछ भी आप पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट कर सकते हैं। तो प्लेस की बात हो तो एट लगेगा अराइव के लिए, अराइव मीन्स होता पहुंचना, और किसी देश में पहुंचने की बात हो तो इन का प्रयोग होगा। इट्स वेरी इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज बेग। बेग मीन्स होता है भीख मांगना या किसी से याचना करना। तो बेग के साथ फॉर कब लगेगा और बेग के साथ फ्रॉम कब लगेगा, तो बेग के साथ फॉर लगेगा जब किसी से हेल्प की भीख मांगी जाए। बेग फॉर योर हेल्प मतलब आपसे मदद की भीख मांग रहा हूँ, ऐसे सेंस में बेग के साथ फॉर लगेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति से बात किया जाए कि तुमसे, तो बेग फ्रॉम यू फॉर योर हेल्प। बेग के साथ फ्रॉम पर्सन के लिए, बेग के साथ फॉर हेल्प के लिए, ठीक है ना। तो इस
इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग कुछ और मोस्ट प्रीपोजिशन को, फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा होना। जब ब्लाइंड के लिए वन फॉल, जैसे कहते हैं ना कि तुम अपनी गलतियों को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, या किसी के एक्टिविटीज के प्रति अंधे हो जाना, ध्यान ना देना, तो उसको कहते हैं कि तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। तब ब्लाइंड के साथ टू का यूज करते हैं। और जब ब्लाइंड एक आंख से अंधा होने की बात होती है, और गम वाले ब्लाइंड की बात होती है, तो उसके साथ हम सभी ऑफ का यूज करते हैं। He is blind of an eye, मतलब एक आंख का अंधा, या वन आई पर्सन भी कहते हैं उसको, मतलब एक आंख का अंधा, ठीक है। और जब गलतियों के प्रति अंधे की बात हो, तो टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज केयरफुल। केयरफुल मीन्स होता है कि परवाह करना, किसी चीज का ख्याल रखना। तो ऐसे सेंस में जब किसी के स्वास्थ्य के परवाह की बात की जाए, या किसी के ड्रेस पर ध्यान देने की बात की जाए, तो वहां पर हम सभी केयरफुल के साथ अबाउट का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा, जब किसी के स्वास्थ्य की बात हो, या जब ड्रेस पर ध्यान देने की बात हो, तो वहां पर अबाउट का यूज होगा। लेकिन जब किसी के कार्यों पर ध्यान देने की बात हो, तो वहां पर विथ का यूज किया जाएगा। फिर से समझेंगे, किसी के स्वास्थ्य के लिए, ड्रेस के लिए केयरफुल अबाउट, लेकिन किसी के कार्य के प्रति ध्यान देना, तो विथ का यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चार्ज। चार्ज के साथ मैन पर चार्ज लगे तभी वित लगेगा, क्राइम के लिए चार्ज लगे तो भी वित लगेगा। चार्ज मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि इस पर इतना चार्ज किया गया है, मतलब आप मुआवजा कह सकते हो, कंपेंसेशन, या आप कह सकते हो कि उसको पेनाल्टी देना। तो चार्ज जब मैन के लिए हो तब भी वित, और क्राइम के लिए हो तब भी वित लगेगा। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है किसी की तुलना करना, ठीक है। तो कंपेयर के साथ जब पर्सन से पर्सन की तुलना हो, तो विथ लगेगा। लेकिन जब सिमिलर थिंग्स की बात हो, तो कंपेयर के साथ टू लगेगा। यही पर और ध्यान देने की बात है कि यदि सेंटेंस में सीनियर दिया है, ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस में क्या है, सीनियर दिया है, जूनियर दिया है, सुपीरियर दिया है, प्रिफर दिया है, प्रिफरेबल दिया है, ठीक है ना, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, ये सारे वर्ड्स दिए हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री में तुलना के लिए इनके साथ दैन का यूज किया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रिफर हो गया, और प्रिफरेबल हो गया। कंपेरेटिव डिग्री में इन वर्ड्स के साथ तुलना के लिए दैन का प्रयोग ना करके हम सभी टू का यूज करते हैं। तो कंपेयर के साथ किसी सिमिलर थिंग्स की बात हो, तो टू का यूज होगा, कंपेयर वर्ड के साथ। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर के लिए ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, तो इनके साथ टू लगेगा। और जब टू आएगा, तो इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे, लेकिन दैन होगा तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। कंपेयर के साथ पर्सन से हो तो विथ, और यदि किसी थिंग से हो तो हम लोग टू का यूज करेंगे। आगे देखेंगे कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत दर्ज करना, शिकायत करना। तो कंप्लेन के साथ यदि पर्सन की बात हो, तो अगेंस्ट लगेगा। किसी पर्सन के खिलाफ कंप्लेन करना, तो अगेंस्ट लिखेंगे। लेकिन यदि पर्सन को कंप्लेन करना, आप किसी के खिलाफ किसी को कंप्लेन करेंगे, तो जिसके खिलाफ करेंगे उसके लिए अगेंस्ट यूज होगा, और जिसके जिसको करेंगे उसके लिए टू का यूज होगा। तो कंप्लेन टू यू अगेंस्ट रवि, कंप्लेन अगेंस्ट रवि, रवि के खिलाफ, लेकिन किसको, उसके फादर को, तो टू हिज फादर, ठीक है ना। आई कंप्लेंड अगेंस्ट रवि टू हिज फादर। कंप्लेन टू पर्सन, कंप्लेन अगेंस्ट भी पर्सन, लेकिन खिलाफ की बात हो तो अगेंस्ट, और को की बात हो तो टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्रेटफुल। मतलब होता है एहसान मंद होना किसी चीज का, आप कृतज्ञ होना कहते हैं ना। एक ग्रेटफुल होता है और एक होता है अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब होता है एहसान मंद होना, किसी का कृतज्ञ होना, और एक होता है कृतघ्न। हिंदी में समीक्षा अधिकारी में आता है कृतघ्न, मतलब एहसान परामोशी जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अनग्रेटफुल कहते हैं।
तो ग्रेटफुल टू अ पर्सन, लेकिन जिस चीज के लिए एहसानमंद हो उसके साथ फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू, लेकिन तुम्हारे व्यवहार के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए तो फॉर योर हेल्प, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप समझ रहे होंगे, पर्सन की बात हो तो टू, हेल्प की बात हो या किसी थिंग की बात हो तो ग्रेटफुल के साथ फॉर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिफर। डिफर मीन्स होता है भिन्न होना, अलग होना। डिफर से ही डिफरेंस और डिफरेंट बना है। तो डिफर में पर्सन की बात हो तो क्या करेंगे, विथ का यूज, सब्जेक्ट की बात हो तो फ्रॉम का यूज कर देंगे, यानी थिंग की बात हो तो फ्रॉम का यूज कर देंगे। डाई पढ़ा है आपने, डाई मीन्स होता है मरना, लेकिन मरना कई परिस्थितियों में मरना होता है, बीमारी से मरना, एक्सीडेंटल मरना, युद्ध में मरना, तनाव में मरना, अधिक ढेर सारा काम करते हुए मर जाना, बहुत ज्यादा खा करके भी मर जाना, ऐसे सेंस में जब भी हम डाई, अलग अलग प्रकार से डाई होता है, मतलब अलग अलग प्रकार से मृत्यु होती है, तो जिस कारण से मृत्यु होगी उस कारण को ध्यान में रखते हुए डाई के साथ उस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ज्यादातर तो विद्यार्थी यही पढ़े होते हैं, डाई के साथ अगर बीमारी से मर जाए कोई तो ऑफ लगा दो, और रीजन से मर जाए तो फ्रॉम लगा दो, लेकिन नहीं, डाई के साथ अलग अलग परिस्थितियों से किसी की मृत्यु होती है तो उन परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होंगे, यदि किसी की मृत्यु किसी रोग से हो जाए तो डाई ऑफ हो जाएगा, डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कॉलरा, डाई के साथ रोग व्यक्त हो तो ऑफ लगेगा। लेकिन यदि कोई बहुत ज्यादा खा के मर जाता है या किसी और कारण से मर जाता, घायल होकर मर जाता है या ओवर वर्क यानी बहुत ज्यादा काम करते करते मर जाता है, बहुत आपने देखा होगा कि बहुत से गरीब होते हैं जो कि बहुत ज्यादा काम उनसे करवा लिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर साथ नहीं देता, बहुत कई बार होता है अत्याचार होता है जिसके लिए लोग मर जाते हैं, तो ओवर वर्क मतलब बहुत ज्यादा काम करके किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में फ्रॉम का यूज करेंगे, या किसी और रीजन से हो जाए तो फ्रॉम का यूज करेंगे। वाउंड मीन्स होता है घायल, इंजर्ड, तो भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर ओवर ईट हो, ओवर ईटिंग, तो भी हम सभी क्या कर देंगे, डाई के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि हिंसा में किसी की मृत्यु हो जाए, वायलेंस, वायलेंस में सबका हिंसा, वायलेंस की स्पेलिंग जान रखिएगा, VIOLENCE, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो स्पेलिंग का भी आपको क्लास मिलेगा, लेकिन ऐसे ही साथ साथ में पढ़ते रहिए ताकि बर्डन ना पड़े। तो डाई के साथ यदि कोई हिंसा में मर जाता है, कई बार हिंसा होती है आपने देखा होगा, तो वायलेंस में किसी की मृत्यु होती है तो डाई के बाद वाई लग जाएगा। अगर वह किसी भीड़ के द्वारा मॉब क्रेसी हो गई है ना, मॉब लिंचिंग वर्ड आपने सुना होगा, भीड़ के द्वारा किसी की हत्या हो जाना, तो ऐसे सेंस में क्या करेंगे, हिंसा ही तो माना जाएगा, तो हिंसा माना जाएगा तो हो जाएगा ही डाइड बाई वायलेंस, वायलेंस तो बाई का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वंस कंट्री मतलब किसी देश के लिए मर जाए, देश के लिए मर जाना तो हो जाएगा डाई के साथ फॉर यूज होगा, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, मतलब अपने देश के लिए मर गया, कुर्बान हो गया, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बार मृत्यु हो जाती है लेकिन युद्ध में, तो युद्ध में जब मृत्यु हो किसी की तो बैटल होता है और बैटल के लिए इन का यूज हो जाता है, जैसे वह युद्ध में मारा गया, ही डाइड इन बैटल, तो डाइड इन बैटल मतलब युद्ध में मरा, या वॉर मतलब युद्ध में मरा तो भी कह सकते हैं। तो हम सभी क्या करेंगे, डाई के साथ यदि हिंसा में मृत्यु हो तो वॉर लगा देंगे, डाई के साथ वाई लगा देंगे, डाई के साथ यदि देश के लिए मर जाए तो वॉर लगा देंगे, डाई के साथ यदि युद्ध में मरे तो इन लगा देंगे, रोग से मरे तो ऑफ लगा देंगे, अदर रीजन से, ओवर वर्क से, वाउंड से, ओवर ईटिंग से मरे कोई किसी की मृत्यु हो तो डाई के साथ हम सभी फ्रॉम लगाते हैं। डाई वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे है नेगलेक्ट, डाई के साथ थ्रो कब लगेगा, जब कोई व्यक्ति नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नेगलेक्ट मीन्स होता है इग्नोर, मीन्स क्या, नजरअंदाज करना, यदि कोई व्यक्ति नजरअंदाज कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो डाई के साथ हम सभी थ्रो का यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट,
डाई के साथ डिजीज की बात हो तो ऑफ, डाई के साथ ओवरवर्क या बाउंड या ओवरईटिंग की बात हो तो फ्रॉम, वायलेंस में किसी की मृत्यु हो तो बाय, अगर किसी कोई अपने देश के लिए मरता है तो फॉर, बैटल फील्ड में मरता है तो इन, और नेग्लेक्ट कर दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे सेंस में हम सभी थ्रो का यूज करते हैं। आगे देखेंगे डिवाइड। डिवाइड मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बांट देना, तो कहते हैं ना कि डिवाइड कर दो, दो भागों में डिवाइड करेंगे, चार भागों में डिवाइड करेंगे। तो जब भी सेंटेंस में हम सभी ध्यान देंगे, जब डिवाइड दो भागों में होता है तो वहां पर हम सभी ऑफ का यूज करते हैं, हम सभी वहां पर डिवाइड में हाफ भागों में, अगर हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो, आधे आधे में, तो इनका प्रयोग होगा। लेकिन यदि चार भाग में डिवाइड हो तो वहीं पर डिवाइड के साथ हम सभी इनटू का यूज कर देंगे। आधा डिवाइड हो यानी दो भागों में तो इन का यूज करेंगे, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो तो इनटू का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित होना, किसी को जानना। तो मैं तुमसे परिचित हूँ, तुम्हारे परिवार से परिचित हूँ, तुम्हारे मित्र से परिचित हूँ, तुम्हारे व्यवहार से परिचित हूँ। कई बार आप कहते हैं ना कि मैं तुमसे अच्छे से वाकिफ हूँ, तो वाकिफ हूँ के सेंस में, या कई बार लैंग्वेज से परिचित हूँ, आप कहते हो मैं इस लैंग्वेज से परिचित हूँ, इस लैंग्वेज को अच्छे से जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो जब किसी व्यक्ति से आप परिचय दिखाने की बात करें तो उसके साथ ध्यान से समझना होगा टू का लगता है। जैसे मैं उससे परिचित हूँ, आई एम फैमिलियर टू हिम, आई एम फैमिलियर टू यू, विथ यू नहीं लिख सकते, यहाँ टू का यूज करते हैं। He is familiar to me, वह मुझसे परिचित है। लेकिन जब लैंग्वेज की बात करते हैं कि वह इस भाषा से परिचित है, इस भाषा को जानता है, लैंग्वेज से परिचित है, तो आई एम फैमिलियर विथ दिस लैंग्वेज या दैट लैंग्वेज का यूज करेंगे। यानी कि आई एम फैमिलियर विथ इंग्लिश, आई एम फैमिलियर विथ फ्रेंच, आई एम फैमिलियर विथ हिंदी। जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो विथ का यूज होगा, लेकिन जब लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, तो वहां पे हम सभी टू का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने समझ लिया होगा। अगला देखेंगे गुड। गुड के साथ एट कब लगता है और गुड के साथ फॉर कब लगता है। देखिए गुड मीन्स होता अच्छा होना, लेकिन जब गुड के साथ आप कहो कि किसी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी दिखानी हो कि मैं मैथ में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं हिंदी में अच्छा हूँ, तो आपको कहना पड़ेगा आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट हिंदी। जब आप सब्जेक्ट में विषय विशेषज्ञता की बात करें या अच्छा जब बताने की बात करें तो गुड के साथ वहां पर एच का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप स्वास्थ्य के अच्छे होने की बात करें तो हो जाएगा गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो हो जाएगा गुड हो तो फॉर तब लगेगा जब हेल्थ से स्वस्थ होने की, अच्छे होने की बात करें, ठीक ना। और जब सब्जेक्ट की बात करें अच्छा होने के संदर्भ में, तब हम सभी गुड के साथ एट का यूज कर सकते हैं। और गुड के साथ एट बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डाई के साथ ऑफ, फ्रॉम, इन, थ्रो कब आएगा इसको भी ध्यान रखना होगा। जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, प्रिफर, प्रिफरेबल के साथ टू आएगा इसका भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखेंगे ब्लाइंड के साथ टू, ब्लाइंड के साथ ऑफ, केयरफुल के साथ विथ और अबाउट, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट कब आएगा, टू कब आएगा, फॉर कब आएगा, बहुत बार 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 एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे प्रीपोजिशंस। और जब आपको एग्जैक्ट रूल नहीं पता होता है तो आपसे गलती हो सकती है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और प्रीपोजिशन है जो फिक्स रूप से यूज होते हैं, फिक्स होते हैं। देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ इन आपने पढ़ा है, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट की बात हो। लेकिन जब इंटरेस्ट के साथ कोई पर्सन की बात हो तो यहाँ पर विथ का यूज करते हैं। देखेंगे जैसे मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, ऐसे यूज करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति की बात हो, मतलब किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू, मतलब किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट ना होना, किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती ना निभाना, ऐसे सेंस में आप कहते हैं मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तो हो जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू, यहाँ पर इन यू का यूज गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट के साथ इन सब्जेक्ट के सेंस में, पर्सन हो तो विथ का यूज करेंगे। आगे है रिमेन्स
ऑन अपॉन रिवेंज फॉर। रिवेंज और अवेंज में कई बार लोग कहते हैं क्या अंतर है। रिवेंज मीन्स भी बदला लेना होता है, अवेंज मीन्स भी बदला होना होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अपना बदला खुद ले तो अवेंज लगता है, लेकिन अपना बदला खुद ना लेकर के कोई और उसका बदला ले वहाँ पर रिवेंज का यूज होता है। जैसे मैं अपने के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लूं तो अवेंज, लेकिन मेरी दोस्त अगर करे तो वहाँ पर रिवेंज का यूज किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिवेंज और अवेंज में यही अंतर है, दोनों का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन जब उसके यूज की बात हो तो उसको अलग से यूज करेंगे। या पर्सन से बदला लेने की बात हो तो ऑन और अपॉन का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू रिवेंज ऑन यू, अपॉन यू, इस तरीके से लगेगा। लेकिन किसके लिए, किसी पर्सन की बात हो तो, लेकिन जिस चीज के लिए बदला लेना, अपने अपमान के लिए, अपने किए साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए, या किसी मर्डर की बात हो, बहुत सारे सेंस में बदला लेने का आता है, तो वहां पर हम सभी फॉर का यूज करेंगे। आई होप बेटर होगा, समझ रहे होंगे। अगला है सॉरी फॉर, सॉरी अबाउट। ज्यादातर आपने सॉरी फॉर सुना होगा, सॉरी फॉर दैट स्टाइल में लोग बोलते हैं ना, सॉरी फॉर दैट। सॉरी के साथ फॉर तब यूज करेंगे जब किसी पर्सन या गलती की बात हो, लेकिन सॉरी के साथ वहीं किसी चीज की माफी मांगी जाए तो वहां पर सॉरी के साथ अबाउट का यूज करेंगे। ठीक है ना, किसी व्यक्ति से माफी मांगने की बात हो तो हम सभी सॉरी के साथ फॉर यूज करेंगे। अपने गलतियों की क्षमा मांगने की बात हो तो सॉरी के साथ फॉर यूज करेंगे। लेकिन यदि जिस चीज के लिए, किसी चीज के लिए माफी मांगना हो, नुकसान के लिए, तो सॉरी अबाउट करेंगे। अगला है यूजफुल टू, यूजफुल फॉर। कई बार यूजफुल फॉर ही ज्यादातर यूज होता है, विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर एक ऑप्शन में टू दे दे, एक ऑप्शन में फॉर दे दे, एक ऑप्शन में विद दे दे, एक ऑप्शन में अगेंस्ट दे दे, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बट व्हाई, देखिए यूजफुल के साथ फॉर तब लगेगा जब किसी पर्पस की बात हो, मतलब किसी उद्देश्य के लिए ये उपयोगी हो तो पर्पस हो, फॉर लगेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई चीज उपयोगी हो तो यूजफुल टू यू लगेगा। फॉर योर हेल्थ, फॉर योर रिजल्ट, फॉर योर सर्कमस्टांसेस, बहुत सारा यूज कर सकते हैं। तो यूजफुल फॉर योर पर्पस, यूजफुल फॉर योर टास्क, यूजफुल फॉर योर फ्यूचर, कुछ भी यूज करें हम यूजफुल फॉर। लेकिन व्यक्ति के साथ जब यूजफुल की बात करेंगे, तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी यूजफुल टू यू। बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं राइट, राइट के साथ विद का यूज करेंगे कब, राइट के साथ इन का यूज करेंगे कब। जब राइट के साथ हम सभी इंक से लिखने की बात करेंगे तो वहाँ इन यूज करेंगे, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जैसे पेन, पेंसिल, मार्कर, स्केच, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट के सेंस में विद का यूज होगा। अदरवाइज इंक की बात करेंगे तो इन का यूज होगा। बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। विक्टिम और विक्टिम, विक्टिम के साथ टू का यूज तब हो जाएगा जब किसी ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच की बात हो, या किसी एविल, एविल मीन्स होता बुराई की बात हो, तो विक्टिम के साथ टू लगेगा। अदरवाइज जब किसी ट्रिक या सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, सी आई आर सी यू एम एस टी ए एन सी ई एस, सर्कमस्टांसेस मीन्स होता है परिस्थितियां एवं दशाएं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सर्कमस्टांसेस हो गया, सस्टेनेबल हो गया, कंटेम्पोरेरी हो गया, हेमरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, कंसीव हो गया, रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, हेमरेज हो गया, बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं, अकोमोडेट हो गया, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्पेलिंग भी साथ साथ देखते चलिएगा, सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग, ठीक है ना। तो सर्कमस्टांसेस या ट्रिक की बात हो तो विक्टिम के साथ ऑफ का यूज होता है। तो आई होप आपको ये प्रीपोजिशन की क्लास रूल बाय रूल समझ में आई होगी, वन बाय वन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन को रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप अपना दिमाग लगाने लगेंगे कि नहीं इसको ये सुटेबल बैठ रहा है, ये नहीं, ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, तो फिक्स प्रीपोजिशन के चांसेस में आप गलत हो सकते हैं और आपका एक मार्क्स कट सकता है। इसलिए फिक्स प्रीपोजिशन को जरूर से याद कर लीजिएगा। तो आई होप आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिविजन करिए, कोई भी क्वेरी हो अपने टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।